दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, सभी देशों की इकोनॉमी जो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है। टेलीकॉम सेक्टर दोस्तों, भारत की जीडीपी के अंदर 35% तक का हिस्सेदारी है, भारत की जीडीपी की बैकबोन यानी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी बन चुका है। किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर भारत की जीडीपी को दोस्तों आगे लेके जा रहा है, किस तरह से भारत को इस कठिन टाइम में भी टेलीकॉम सेक्टर का बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त नील चिखा, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैंस। अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में हर देश की प्रगति को नापा जाता है जीडीपी में, जिसको बोला जाता है घरेलू सकल उत्पाद। ठीक है, मतलब शुद्ध हिंदी में ऐसा कुछ बोला जाता है, लेकिन जीडीपी दोस्तों कितनी ज्यादा है उस हिसाब से पता चलता है कि देश कितना आगे, विकसित देश है, विकासशील देश है। लेकिन जीडीपी के अंदर बहुत सारे मापदंड होते हैं, बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर हो गया, उसके साथ साथ दोस्तों इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री हो गया, फार्मिंग हो गया दोस्तों, फार्मास्यूटिकल हो गया, अलग 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 जो सेक्टर्स होते हैं दोस्तों, उन सभी की बड़ी बड़ी कंपनी सभी के मुनाफे को और सभी के दोस्तों उचार और चढ़ाव को देखते हुए जीडीपी के जो आंकड़े होते हैं सरकार पेश करती है। लेकिन फिलहाल आप सभी जानते हैं, भारत को छोड़िए, पूरी दुनिया में सब कुछ ठप है, कुछ भी चल नहीं रहा दोस्तों। जब पूरे देश, बड़े बड़े देश अगर लॉकडाउन सिचुएशन में, तो क्या चलेगा। लेकिन भारत के लिए दोस्तों अच्छी खबर है कि भारत के अंदर टेलीकॉम सेक्टर दोस्तों रीढ़ की हड्डी बनके निकल के आया है, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर इनेबलिंग 35% ऑफ इंडिया जीडीपी इन कोविड-19 टाइम्स। इस कठिन परिस्थिति में जब पूरा भारत बंद है, कोरोना वायरस से हम युद्ध लड़ रहे हैं और हमें करोड़ों का नुकसान आ रहा है, उस टाइम पे दोस्तों हमारी जीडीपी का 35% तक का दोस्तों यहां पे जो प्रॉफिट है या दोस्तों हिस्सा है, वो टेलीकॉम सेक्टर से निकल के आ रहा है। इसका मतलब समझ सकते हैं, टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज्यादा दोस्तों यहां पे हमारी जीडीपी को, हमारे भारत देश की इकोनॉमी को दोस्तों मजबूत यहां पे करता हुआ देखा नहीं आया। दोस्तों बता जा रहा है, इस पर द टेलीकॉम प्लेयर्स अश्योर देयर नेटवर्क्स वेयर अप एंड रनिंग टू मीट अप द अनप्रेसिडेंटेड सर्ज डिमांड्स ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सारी की सारी टेलीकॉम कंपनी ने दावा किया था कि जो डिमांड बढ़ चुकी है, सर्ज बढ़ चुका है, ज्यादातर लोग दोस्तों अब यहां पे नेट यूज कर रहे हैं, डेटा यूज कर रहे हैं, टेलीकॉम सर्विसेज को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे यूज किया जा रहा है, जिससे नेटवर्क पे स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है, लोड ज्यादा होता है, लेकिन उस चीज को मैनेज कर रही है टेलीकॉम कंपनीज। बता जा रहा है, द सेक्टर इज करंटली इनेबलिंग 30 to 35% ऑफ द जीडीपी इन द कोविड-19 लॉकडाउन। दोस्तों टेलीकॉम पूरा सेक्टर जो है 30 to 35% का दोस्तों भारत की जीडीपी का दोस्तों खुद अकेला टेलीकॉम सेक्टर निकाल के लेके आया, खास करके सारी की सारी कंपनियां। अदर देन द परसेंट 6% कैन डायरेक्ट कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी। दोस्तों 6% दिया करता था पहले, 6% जो 30 to 35% यानी दोस्तों मैं बात करूं 6×5 = 30, मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, 5 गुना से लेके 6 गुना दोस्तों यहां पे टेलीकॉम सेक्टर का यहां पे इन्वॉल्वमेंट, इनकी भागीदारी, हिस्सेदारी भारतीय जीडीपी के अंदर, भारत की इकोनॉमी के अंदर यहां पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, खास करके इस टाइम पे, इस मुश्किल घड़ी में, कोरोना वायरस के टाइम पे। द न्यू नॉर्मल विल सी इंक्रीज द इनवैलेंट थ्रू टेलीकॉम एज द सेक्टर्स ब्रेव द कंडीशंस कीप टू नेटवर्क्स अप एंड इंप्लीमेंटेड नेसेसरी चेंजेस ऑन द गो द ऑगमेंट कैपेसिटी ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज ऑन द डिमांड फॉर डिजिटल सर्विस इनेबलिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। दोस्तों बताया जा रहा है कि किस तरह से यहां पे डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सेक्टर है वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, और दोस्तों यहां पे जो डिमांड यहां पे बढ़ी है उसको अच्छी तरह सर्व करने की कोशिश कर रहा पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर, काम करने में लगा हुआ। इसके लिए स्पेशल परमिशन भी भारत सरकार ने दी थी कि जिस जिस जगह पे दोस्तों भी काम चल रहा है, कुछ कुछ जगह पे तो यहां पे जो नेटवर्क थे वो शटडाउन हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में इनके इंजीनियर दोस्तों ऐसे टाइम पे भी जान को जोखिम में डाल के, मतलब कोरोना वॉरियर बनते हुए फ्रेंड्स यहां पे जाके टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को सुचारू रूप से चालू करने के लिए काम करे, तो इन लोगों को भी सलूट है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दोस्तों बताया जा रहा है कि प्रेजेंट प्रीपेड बाय द रिसर्च फर्म टेक आर्क। दोस्तों टेक आर्क करके दोस्तों रिसर्च फर्म में वो, और उसके साथ साथ दोस्तों कोलैबोरेशन के साथ सी सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COI, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों टेक आर्क और COI दोनों ने मिलकर दोस्तों एक रिपोर्ट यहां पे रेडी करी। द टेलीकॉम लीडर्स सल्यूटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग ऑल सपोर्ट टू द इंडस्ट्री ड्यूरिंग दिस। दोनों ने दोस्तों ये बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दोस्तों सल्यूट किया यहां पे दोनों ही रिसर्च फर्म ने, इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा खासा दोस्तों सपोर्ट इन कंपनियों को दिया है, पूरे सेक्टर को दिया है, और इसका फायदा भी सरकार
आर को मिलते हुए नजर आया, जहां पे 35% तक की जीडीपी में हिस्सेदारी इनकी बनी है। विद द टाइमली इंटरवेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड द कोऑर्डिनेशन विद द वेरियस स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज, डिफॉल्ट बीटीएस का मतलब जो टावर हुआ करते थे, नेटवर्क हुआ करते थे 4G 3G के, वो नेटवर्क जो बर्बाद हो चुके थे, जो काम नहीं कर रहे थे, उन नेटवर्क को दोस्तों यहां पे अच्छे खासा सुधारा गया। 800 जितने दोस्तों नेटवर्क थे, 800 जितने 4G के टावर्स थे जो दोस्तों काम नहीं कर रहे थे, उनको सुधारते हुए 70 तक लेके आ गए, मतलब ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा दोस्तों टावर्स का यहां पे सुधार किया गया, खास करके इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस के टाइम में, इस युद्ध की घड़ी में भी दोस्तों कंपनियां अपना काम कर रही है, और जो टावर काम नहीं कर रहे थे उनको काम करने जैसा बनाया। 800 में से दोस्तों सबके सब ठीक कर दिया, सिर्फ 70 इतने बाकी है जिनमें अभी काम करना बाकी है। इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंशियल, मतलब राजन मैथ्यूज दोस्तों जो बता रहे हैं डीजी कि ये हमने हमारी कैपेसिटी को भी यहां पे इंक्रीज किया, 800 टावर बनते उसमें सब 70 ही बाकी सबके सब हमने एक्टिव कर दिए, जिससे लोगों की डिमांड को यहां पे कैटर किया जाए। तो इस तरह से दोस्तों बताया जा रहा है, मूलभूत दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज जो निकल के आई यहां पे, राजन मैथ्यूज भी दोस्तों डीजी यहां पे बता रहे हैं, टेकआग भी बता रहे हैं कि यहां पे भारत में दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। इस कठिन परिस्थिति में भारत के लोगों को सर्विस तो दे रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में भी दोस्तों अच्छी खासी भागीदारी आ रही है। भारत की जीडीपी के अंदर 30 से लेकर 35% तक की हिस्सेदारी फिलहाल दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर की, बहुत ही बड़ा कदम है, बड़ा सपोर्ट है भारत के लिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन देखेगा, उसे सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा एक घंटी का बटन, उसको जरूर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।